विद्यार्थी मित्रों, आपणे लास्ट पीरियडनी अंदर पाठ बे साचु सुख नी समझूती मेळवी हती। आजे आपणे तेना प्रश्नोना उत्तरनुं लेखन कार्य करीशुं। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न एक, खुशबू खुश केम रहती हती? खुशबू खुश रहती हती कारण के ते भगवाने आपेली दरेक वस्तुमां संतोष राखती हती अने ते खूब मेहनतू हती। प्रश्न बे, दुखी दयाक्षी प्रभुने शू फरियाद करती हती? दुखी दयाक्षी प्रभुने फरियाद करती हती के आटलू आपणे अहीं ऊपरथी सवालमांथी जोईने लखवानुं छे। प्रभुए सृष्टिना दरेक जीवने सरस मजानुं शरीर आप्युं छे, प्रभु मने आपवानुं भूली गया। प्रश्न त्रण, वावाझोड़ानी खुशबू अने दयाक्षीना माळा पर शी असर थई? वावाझोड़ाना लीधे खुशबूनो माळो टकी रह्यो अने दयाक्षीनो माळो तूटीने उड़ी गयो। प्रश्न चार, सुखी खुशबूए दुखी दयाक्षीने शू समझाव्युं? सुखी खुशबूए दुखी दयाक्षीने समझाव्युं के जो बहन, भगवाने तने अने मने बधुं सरखूं आप्युं छे, परंतु मतलब फिर भी तू बीजा प्राणीओने जोई जोईने ईर्ष्या कर्या करे छे, ज्यारे हूँ भगवाने आप्युं छे तेमां संतोष मानुं छूं। प्रश्न पांच, दुखी दयाक्षीए कयो संकल्प कर्यो? दुखी दयाक्षीए संकल्प कर्यो के हूँ जे वस्तु मळशे तेमां संतोष मानीने आनंदथी रहीश। प्रश्न छ, दुखी दयाक्षीए भगवान ने प्रार्थना करता शू कहूँ? उसने भगवान को प्रे करके क्या बोला था? तो ऊपरथी जोईने लखवानुं छे। पहला, दुखी दयाक्षीए भगवान ने प्रार्थना करता कहूँ के हे प्रभु, तमे जे करो छो ए सारा माटे करो छो, तमे वावाझोड़ामां मारो माळो उड़ाड़ी नाख्यो, जेनाथी मने शीखवा मळ्युं के मेहनत ज आफतना समये काम आवे छे। इन्वर्टेड कॉमा ओवर, किसी के बोले हुए शब्द हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने हैं। प्रश्न सात, आ पाठमां तमे कोना गुणथी प्रभावित थया छो? शा माटे? आ पाठमां अमे खुशबूना गुणथी प्रभावित थया छे। हमें खुशबू की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी लगी है, किस लिए ऐसा भी आपको पूछा है, तो हमें लिखना है उसका रीज़न। तो रीज़न हम गुजराती में लिखेंगे, तब लिखेंगे कारण के खुशबू मेहनतू हती अने भगवाने आपेली दरेक वस्तुमां संतोष राखी आनंदथी रहती हती। आम विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्नोना उत्तर अहीं पूर्ण कर्या। ઘરેથી તમારે પ્રશ્નના ઉત્તર મોઢે કરી તેનું ફરીથી લેખન કાર્ય કરવાનું છે। આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો।